चुनावों से पहले भाजपा ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच जा रही है। सीएम मनोहर लाल के बाद शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवल पाल गुर्जर भी जन संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कई गांव में जाकर संवाद किया, वहीं इस दौरान पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आ रही समस्या का एक महीने में समाधान हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इसके लिए अधिकारियों को बाकायदा निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है। कल सिरसा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जो रैली हुई और जनता का जो समर्थन मिला वह अभूतपूर्व है। जनता के प्यार से दिखाई दे रहा है कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास बरकरार है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में एक बयान दिया था कि भाजपा जसपा गठबंधन को जनता को लूटने के लिए बना है। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि लूटने का काम पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया, उनके घोटाले हजारों लाखों करोड़ तक सीमित नहीं थे, कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ के घोटाले उनके समय में हुए हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इससे पता चलता है कि लूटने का काम किसने किया है। कंवल पाल गुर्जर ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। सरकार की नीतियों से जनता खुश है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जनता को जो समस्या आ रही है वो जल्द ही उसका समाधान हो जाएगा। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और जो भी जनसंवाद के दौरान जनता की समस्या सामने आई उसे मौके पर निपटाने का प्रयास किया। अब देखना होगा कि सीएम मनोहर लाल की तर्ज पर शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री द्वारा किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने फायदेमंद साबित होंगे। वैसे केंद्र सरकार के भी 9 साल पूरे गए, उसमें भी संपर्क अभियान का एक विषय है और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद शुरू किया और मैं समझता हूँ 4-5 जिले उन्होंने कर लिए। उसके बाद एक विचार आया कि जितने भी हमारे मंत्री हैं वो भी और प्रमुख लोग जो हैं वो भी, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी, वो जनता के बीच में जाएँ और जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें। तो यहाँ दोनों तरफ का था, केवल हमारा भाषण नहीं था। पहले हमने लोगों से पूछा कि उनकी कोई समस्या वो बताएं और तीन सरपंच आए, उन्होंने अपनी बात रखी और भी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया उसकी जानकारी हमने दी। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ कि 8-8.5 साल में पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा काम वर्तमान सरकार ने। देखिए समस्याएं तो रहती है हमेशा, चाहे आप कितने भी काम कर लो, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा और लगातार इसी प्रकार से अगर काम होता रहा तो मैं समझता हूँ आने वाले 5-7 साल में शायद फिर काम बहुत कम रह जाएगा। लेकिन काम तो कुछ ना कुछ रहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उस प्रकार के रखते हैं। लेकिन लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार ने बहुत काम किया। प्रॉपर्टी आईडी के उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा गंभीरता से उसको लिया और लगभग उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ ठीक कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। कल सिरसा में अमित शाह जी की रैली थी और मैं समझता हूँ कि वो आज तक की अभूतपूर्व रैली है, इतनी बड़ी रैली वहाँ पे हुई है। तो ये जनता का उत्साह दर्शाती है कि जनता में कितना उत्साह है। कुछ लोग हैं जिन्होंने लोचना करने की जिम्मेदारी ले रखी, वो तो लोचना ही करेंगे, लेकिन आम जनता में बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने भी इस प्रकार की रैली नहीं की। वहाँ 2 सेट हैं, 2 सेट के बीच में जो जगह खाली थी हमने उसमें भी टेंट लगवाया था और तीनों सेटों को मिला के और उसके बाद बाहर सड़क पे भी चारों तरफ जो खाली जगह थी उसमें भी सारे में जनता खड़ी थी, बहुत बड़ी उपस्थिति थी। मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व रैली थी। हाँ देखिए उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने भेदभाव किया और गलत तरीके से जिस प्रकार से लाभ पहुँचाए उन्होंने अपने चहेतों को, निश्चित तौर से लूटने के लिए तो पहले थे जो उनके टाइम में थे। अगर उनके टाइम में देखोगे वो घोटाले भी मतलब 1000 करोड़ में तो रह ही था, कोई भी लाख करोड़ के घोटाले लगे थे। पहले तो क्या था, कुछ 1000 के लाख के घोटाले करते, करोड़ के घोटाले करते, फिर 1000 करोड़ के लाखों करोड़ के होने शुरू हो गए। तो वो घोटाले उनके टाइम में थे, हमारे टाइम में कोई घोटाला नहीं है कोई इस प्रकार की। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।